बोल शंकर भगवान की जय। क्या हाल है दगड़ियो? तो हम अपने पहले स्टॉप की तरफ पहुंच चुके हैं, भैरव घाटी। जो कि भैरव घाटी मैंने बताया था, भैरव घाटी पहुंच चुके हैं हम। ये देखो कितनी गहराई है। ओ देखो यहाँ से दिखेगी, दिखाता हूँ मैं। पानी ऐसे हो रहे हैं, सही सेट नहीं करे ना वो। ओ देखो दिख रहे। वो देखो डंडे के वहाँ पीछे देखो, वो देखो नीचे तलहटी में गंगा मैया भागीरथी गंगा, वो नीचे वहाँ आ रही है। और हम ये वादियों में माँ गंगा का जल लेके थकान तो हो जाती है। चलिए हमारे धामा भोले सामने का नज़ारा देखो। ये भैरव घाटी आ चुकी है, ये सारी आगे भैरव घाटी है। यहाँ से ना दो रोड निकलती है, मतलब बेंड है वाई शेप का। तो एक नीचे को चली जाती है, वो चली जाती है आपके हर्षिल थराली वराली को, लंका को। और जो ऊपर को जाती है सीधे हाथ की तरफ को जाएगी, वो आगे चली जाती है नीलांग घाटी को। और नीलांग घाटी पार करके आगे 20-30 किलोमीटर बाद चीन बॉर्डर लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना। ये है वो बॉर्डर, यही वो प्लेस। ये घर टाइप के, बाजार टाइप के हैं शायद, कुछ बन रहे भी आगे भी बाजार में लगे हुए। ये देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नीलांग घाटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये जो रोड है ये सामने आगे चीन को जाती है, चीन बॉर्डर को। इसके बाद 30-35 किलोमीटर बाद आगे चीन लग जाता है, 30-35-40 किलोमीटर जो भी होगा। और ये देखिए उत्तरकाशी यहाँ से 89, चंबा 199, धरासू 116 और यमुनोत्री 259 है। BRO की तरफ से रहता है यहाँ पे। बॉर्डर के जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले रोड बनाते हैं। और ये मेरे संग साथी सभी आते हुए ये YouTube में देखा करते थे हम भी कि लोग ऐसे अच्छे और लोग दिखा रहे हैं। आज हम भी अपनी वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है क्या सुंदर नज़ारा।